अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। समर्स किचन एंड व्लॉग में आप सबको वेलकम। आपको आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। ये है जी, आज हम इंटरनेशनल कल्चर डे बच्चों के स्कूल में मनाया जा रहा था, तो उसके बारे में ये व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस व्लॉग में सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं किस तरह तैयारी कर रही हूँ और क्या क्या मैंने बनाया। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने स्कूल में अपनी चीज़ें भेजनी थी, तो इस वजह से मैंने रात को ही तैयारी स्टार्ट कर दी। मैंने क्या क्या बनाया जी, मैंने ये खीर बनाई, पुलाव बनाया, समोसे बनाए, चटनियाँ बनाई और सैलड बनाया। और सब कंट्रीज़ वालों ने अपनी अपनी चीज़ें बनाई। हमारे टेबल पर भी बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी चीज़ें बना के लेके आए, और बाकी सब टेबल्स पे भी अपने अपने कंट्रीज़ के बहुत अच्छे अच्छे खाने मौजूद थे। इस तरह ये डेज़ होने चाहिए, क्योंकि इस तरह एक तो हम सब कंट्रीज़ के बच्चों को पता चलता है कल्चर के बारे में, बच्चों को उनकी फूड के बारे में, और अच्छा लगता है ताकि वो हर चीज़ से टच रहें। हाँ जी, हमने डिस्पोजेबल प्लेटें, स्पून, एवरीथिंग साथ लेके जाना था, तो ये खाना भी हमारा रेडी हो चुका है जो कि हमने सुबह सुबह, यानी कि स्कूल ओपन जैसे हुआ था, बच्चे तो बाद में गए, पहले खाना गया, तो हम लोग ने खाना पे वहाँ लेके गए। ये हम हाफ रेट पे ले आए थे खाना, और अपना टेबल सेट करना शुरू कर दिया। ये देखें जी, हमारा टेबल हो गया सेट और कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। तो बाकी टेबल्स भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो भी दिखाऊंगी। सब ने ही अपने अपने कंट्री को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया और अच्छा लगा, सबको बहुत ही मज़ा आया। ये देखिए जी, ये हमारा टेबल है, बच्चों के नाम हैं और उनके क्लास के नाम हैं कि किस किस के पेरेंट्स क्या बना के लेके आए हैं। तो ये बिरयानी थी, खीर थी, समोसा थे और कबाब थे, दो तरह के, एक चपली कबाब, एक शामी कबाब थे, और बाकी पुलाव था, चिकन एक करी थी। बाद में हमारी जो कलीग थी उन्होंने वो बना के लेके आई थी पकौड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त, और ये चटनियाँ भी थी। यानी एक टेबल पे बहुत सा खाना मौजूद था। ये अफ़गानी टेबल था जिस पे अफ़गानी पुलाव पड़ा हुआ है, ये इंडियन है, इस पे भी बहुत सी चीज़ें थी, गुलाब जामुन थे, बिरयानी थी, और क्या समोसे थे, एवरीथिंग था। और ये डिफरेंट हर कंट्रीज़ की चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ, आयरलैंड की भी थी, इंग्लैंड की भी थी, और बहुत से कंट्रीज़ ने अपने अपने फूड बना के लेके आए थे, और सबका बहुत ही ज़बरदस्त था। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों ने इस तरह इन्जॉय किया कि बच्चों ने मुख्तलिफ कंट्रीज़ की फूड को जब टेस्ट किया तो उनको भी पता चला कि किस कंट्री की किस तरह का फ्लेवर होता है, कैसा उनको लगता है और किस कंट्री का उनको अच्छा लग रहा है। ऑलमोस्ट सबको बहुत ही अच्छा लगा था पाकिस्तानी फूड, और सब ने ही ट्राई किया था, और एंड पे हमारी जो टेबल था वो बिल्कुल फिनिश हो चुका था। और हर हाफ एन आवर के बाद एक एक क्लास आती थी, उनकी टीचर आती थी और वो आके फूड जो है वो टेस्ट करते थे। हर क्लास को मौका मिला, बाहर से लोग भी आए, पेरेंट्स वगैरह भी और उनके फ्रेंड्स वगैरह भी, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रहा। ये जो बैनर्स हैं ये सब बच्चों ने बनाए थे, और उन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ को के हिसाब से जिन जिन कंट्रीज़ को उन्होंने वोट किया, और वो उनके ये बैनर्स बनाए, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, और ऑलमोस्ट फुल हॉल ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। हमें भी बहुत मज़ा आया, बल्कि बहुत ही थक गए, बिकॉज़ उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हम लोग ने रात को लेट ही मैंने काम स्टार्ट किया और जिस ये सारी डिशेस बनाई, और सुबह सुबह जब आपने मतलब लेके भी जाना हो और सुबह अर्ली उठना हो बच्चों को रेडी, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये था कि एक एक्साइटमेंट थी तो बहुत मज़ा आया। आप भी देखें और बताएं कि आपको कैसा लगा, और आपको भी मज़ा आया हमारे साथ ये व्लॉग देखने का, और आपको कैसा लगा। आई होप आप लोगों के भी स्कूल्स में बच्चों के इस तरह के इवेंट्स होते होंगे और आप भी इंजॉय करते होंगे। ये मेरी बेटी ने सारा कोई पता नहीं क्या क्या फूड के बारे में लिखा और उसकी कोई रेसिपी भी दी, और इसी तरह ये मुख्तलिफ बैनर्स
थे जो कि बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस अपनी रेडी की हुई थी जो कि उन्होंने उस टाइम दिखाई टीचर्स ने। और ये अब मैं अंदर स्कूल जाने लगी हूँ और वहाँ जाके अपने बच्चों को भी लूँगी और फिर मैं उनको टेबल पे लेके आऊँगी और दिखाऊँगी कि ये सबके टेबल्स हैं और उनको सबके खाने जो हैं वो मैं टेस्ट करवाऊँगी। ये अंदर से स्कूल की वीडियो भी मैंने थोड़ी सी बना ली और अभी मैं अपने तीनों बच्चों को लूँगी और उनकी क्लासरूम से और फिर जाएंगे टेबल्स पे और उनको खाना टेस्ट करवाएंगे। लेकिन आई थिंक सो ऊपर से मैं सारा स्कूल भी आपको दिखाऊंगी, नीचे जो हाँ हॉल में टेबल लगे हैं वो भी दिखाऊंगी। तो बहुत ही एक अच्छा सा, बच्चे बहुत इंजॉय किए और हम लोगों ने खुद बहुत इंजॉय किया, पेरेंट्स ने, हमें ऐसा लगा कि हम लोगों ने भी बच्चों के लिए कुछ किया है। और बच्चे इसलिए खुश थे कि हमारे पेरेंट्स कुछ बना के लेके आए हैं और वो इस वजह से और ज़्यादा खुश थे। और जब उनके टीचर्स ने उनकी तारीफ़ की कि उनके जो हैं फूड बहुत ज़बरदस्त है, ये है, तो और ज़्यादा खुश हुए। तो ये देखें, ये नीचे से हाल जो है सबके टेबल्स लगे हुए हैं, तो ये आपको मैं दिखा रही हूँ आपको। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट मैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तो उतनी देर तक मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़। और अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर बजाइएगा। अल्लाह हाफिज़।